कुछ हफ्ते पहले दोस्तों हमने आपको दिखाया था महिंद्रा का बड़ा बलेरो पिकअप, उसका डिटेल्ड रिव्यू, उसकी खूबियां हमने सब कुछ करा था डिस्कस आपके साथ, और उसका लिंक करंटली है इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। बट आज हमारे पास है उसी महिंद्रा पिकअप रेंज का एक नया साथी, इसका नाम है बलेरो मैक्स। इसका भी आपको देंगे हम एक डिटेल्ड रिव्यू, इसके एक्सटीरियर्स के बारे में, इसके इंटीरियर्स के बारे में, इसके इंजन के बारे में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका बिहेवियर कैसा है लोड के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका डाला है 8 फीट 2 इंच का डाला है, इसको हम भर चुके हैं, एंड इसके साथ परफॉर्मेंस कैसी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। बट ये एक नया प्रोडक्ट है, बलेरो मैक्स एक नया व्हीकल है, ये किस सेगमेंट में आता है और इसमें क्या बदलाव करे गए हैं उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे संजय महिंद्रा से संतोष जी। संतोष जी हमारे साथ पहले भी थे फॉर दी बड़ा बलेरो और आज भी वो आएंगे, और उससे मैं कुछ सवाल करूंगा ये जानने के लिए कि इसमें क्या USP हैं, क्या खूबियां हैं, इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके कितने वर्जन्स हैं। संतोष जी आपका स्वागत है वापस हमारे चैनल पे। तो जो ये बलेरो मैक्स है, ये पिकअप फैमिली में, बलेरो पिकअप फैमिली में कहाँ आता है, नीचे या ऊपर? सर ये जो हमारे पास बलेरो मैक्सी ट्रक आती थी पहले, उसी के जगह पे ये IMX टेक्नोलॉजी के साथ नया मैक्स पिकअप आई है। अच्छा, और इसका प्राइसिंग क्या रहेगा दिल्ली में? सर इसका हम लोग VXI मॉडल की बात करते हैं, जो टॉप मॉडल है उसका है सर 7,87,000 का शोरूम। बाकी इसमें और भी 2-3 मॉडल हैं, इससे नीचे मॉडल की बात करते हैं तो उसका नाम है CT 3000 LX और एक CT 3000 ओनली। तो एक स्टैंडर्ड आता है, एक LX आता है और एक VX आता है। बाय द वे संजय महिंद्रा के जो कमर्शियल ये डीलर हैं, ये पूरे दिल्ली NCR को संभालते हैं। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है महिंद्रा कमर्शियल गाड़ी को लेके, चाहे छोटा वाला ट्रियो हो, चाहे नया वाला पिकअप हो, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब पिकअप रेंज महिंद्रा की जानी जाती है मजबूती के लिए, अब्यूज़ फ्रेंडली है, रिलायबल है, इसमें जिनको बहुत लोड ढोना है उनके लिए कुछ बदलाव करेगा इस गाड़ी के अंदर? सर इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा कि पहले वाली जो आती थी वो 1200 किलो में थी। हाँ जी, अभी जो है ये 1300 किलो में है। करेक्ट, ठीक। और इसकी हम यदि बॉडी की लेंथ की बात करें, पहले वाली जिसमें थी 8 फुट 2 इंच की लंबाई तो सेम थी, बट चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई में थी 5 फुट 2 इंच, ठीक है, इसमें चौड़ाई कर दिया 5.5 फीट, ठीक है। तो लंबाई डाले की उतनी है, 3 इंच डाला, चौड़ा कर दिया जी। और इसमें सर मैं जैसे कि लास्ट टाइम आपसे बात किया था, बड़ी वाली पिकअप पे बात कर रहे थे, तो कमानी जो था XL के ऊपर, इसमें भी ये अच्छी चीज लगा मुझे। और उसके साथ साथ सर इसमें एक इनबिल्ट IMX टेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है, इससे ड्राइवरों को ये गाड़ी ट्रैकिंग के लिए इजीली होगी। जैसे कि इसके साथ आप 4 चीज कर सकते हैं, एक तो रूट मैपिंग होगी, गाड़ी कहीं भी चल रही है तो आप इजीली उस मैप के द्वारा आप चेक कर सकते हैं गाड़ी आपने कहीं पे भेजा था वहां पे पहुंचा है कि नहीं, यदि गाड़ी कहीं पे चली जाती है अलग तो भी आपको ट्रैकिंग के माध्यम से दिखाएगा। उसके बाद गाड़ी मॉनिटरिंग, कहीं भी कोई भी इशू आती है तो आपको वो आपको दिखाएगा। सो आपका कहना ये कि ऐसा सेगमेंट में आई थिंक पहली बार ही हुआ है कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से गाड़ी का टेक्नोलॉजी के नाम से, एक टेक्नोलॉजी IMX का नाम है, गाड़ी की हेल्थ हो, गाड़ी की ट्रैकिंग करनी हो, रूट मैपिंग हो, ये ओनर या ड्राइवर भाई लोग ये अपने फोन के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और सर इसमें सबसे अच्छी चीज और ये भी है, ये पहली बार इस रेंज में आया है, सीट का हाइट एडजस्टमेंट, ड्राइवर सीट हाइट का ऊपर नीचे हाइट एडजस्टमेंट, जिसका हाइट ऊपर है, हाइट ज्यादा है, कम है, तो उसके हिसाब से आप अपना हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस दोस्तों ये गाड़ी है, इसमें सर्टिफाइड 3-सीटर है और इसका जो स्टिकर है वो आगे विंडशील्ड पे भी है, तो 3 लोग आप लीगली गाड़ी के अंदर बिठा सकते हैं। तो सर्टिफाइड 3-सीटर गाड़ी है और जो ड्राइवर लोग हैं उनके लिए सीट की हाइट एडजस्टमेंट है। बट याद रखिए जो हाइट एडजस्टमेंट है वो आपको टॉप एंड जो VX मॉडल है उसके अंदर मिलती है, उसमें आपको हेडरेस्ट में मिलती है, बट ये सब बात करूंगा मैं गाड़ी के अंदर बैठ के। एक और चीज़ संतोष जी, इस पर वारंटी कितनी है? वारंटी सर इसका सेम है, 3 लाख 1 लाख किलोमीटर की, ठीक है। और इसमें सर्विस का जो इंटरवल है सभी गाड़ियों में 10,000 की थी जी, बट इसमें 20,000 कर दिया। वाह, इसे मतलब जो भी खरीदेगा गाड़ी उसका मेंटेनेंस सस्ता होगा। प्लस जो छोटे शहरों में लोग रहते हैं, कई बार आपके घर से महिंद्रा का सर्विस सेंटर दूर होता है, उनको भी ये पीस ऑफ माइंड है कि 20,000 किलोमीटर तक आपको सर्विस सेंटर नहीं जाने की जरूरत है। जी, करेक्ट जी। थैंक यू सर। अगर बात करूँ इसके बाहर के डिज़ाइन की, तो एक चीज़ आप इमीडिएटली नोटिस करेंगे, जो इसका आगे बोनट है वो काफ़ी छोटा करा गया है। इंजन वही है पर तब भी ये साइज़ बोनट का जो छोटा करने के बाद आपको होते हैं काफ़ी फ़ायदे। पहला फ़ायदा ये है कि जब आप अंदर बैठते हैं तो ट्रैफिक के अंदर आपको आसपास विजिबिलिटी आपकी बढ़ती है, कोई छोटे वाहन हैं या बहुत कंजेशन है या आपको टाइट टर्निंग रेडियस चाहिए, इसका टर्निंग रेडियस है 5.5 मीटर्स, तो
ये छोटा करने की वजह से आपकी आगे की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी होती है। जो ग्रिल है, जो हेडलाइट्स हैं, काफ़ी फ्रेश है। ग्रिल ऑफ कोर्स आपके ब्लैक फिनिश के अंदर आता है। बाय द वे, इसके अंदर आपको 3 कलर्स की ऑप्शन मिलती है। फिलहाल हमारे पास गोल्डन है, सफ़ेद भी आता है और सिल्वर भी आता है। आपकी हेडलाइट जो एक क्लियर लेंस का आपको इसमें मिलता है आउटलुक, हेडलाइट के साथ साथ आपके इंडिकेटर्स भी यहाँ पे आते हैं। बम्पर के अंदर आपको गाड़ी खींचने के लिए, टो करने के लिए यहाँ से ही कंपनी से फिटेड आपको एक टो हुक यहाँ पे मिलती है। साइड प्रोफाइल पे जो इनके पहिए हैं वो 15 इंच के हैं, वो आगे और पीछे स्टील व्हील्स हैं। एंड गाड़ी में चढ़ने के लिए, उतरने के लिए आपको अगेन लोहे का एक प्रॉपर साइड स्टेप दिया गया। तो काफ़ी लोग इस गाड़ी को अपने फैमिली के लिए भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में बच्चे हों या आपकी बीवी हों या आपकी माता जी हों, तो अंदर चढ़ने के लिए इससे बहुत फ़ायदा होता है। बड़े शीशे दोनों तरफ हैं, अगेन ये काले हैं, बॉडी फिनिश इनकी नहीं मिलती है, आपको काले वाले मिलते हैं। मैक्स की यहाँ ब्रांडिंग है। VX वर्जन में यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क मिलता है। सिटी 3000 VXi इसका नाम है जो यहाँ पे मिलती है। ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि जो आपकी बड़ा बलेरो थी वहाँ वेंटिलेशन के ये अंदर से ये जुड़ता है, तो कहीं ना कहीं हवा की वेंटिलेशन बढ़ती है। विंडो आपको मिलती है खुली हुई, वहाँ आप विंडो को खोल सकते हैं। मैं अंदर बैठ के दिखाऊंगा। और यहाँ से इसका एक्शन शुरू होता है। 8 फुट 2 इंच बड़ा और 5.5 फुट चौड़ा इसका डाला है। पूरा वेट हमने इसके अंदर लीगली 1300 किलो डाला हुआ है। इसके बाद बहुत जल्द मैं गाड़ी को चलाने वाला हूँ आपको बताने के लिए कि फीडबैक कैसा है। पट्टियाँ इसकी बढ़ाई गई हैं, पट्टियाँ पीछे भी हैं और पट्टियाँ आगे भी हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत ही अच्छी, आप देख सकते हैं नीचे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, फ्लैट है। तो बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस आपको उबड़ खाबड़ गंदे रस्तों पे, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पे बहुत इस्तेमाल आने वाली है। हमारे काफ़ी भाई लोग इन गाड़ियों को पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल करते हैं, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराचल, वहाँ पे ये गाड़ी सक्सेसफुल होने वाली है। गवर्नमेंट नॉर्म्स कहते हैं कि आपको रियर सेंसर चाहिए, एक यहाँ आता है रियर सेंसर, एक यहाँ पे आता है, और जो उसकी टेल लाइट है ये है LED। सो LED रात को आपको विजिबिलिटी भी देती है, बाकी गाड़ी आपको देख पाती है और अच्छी भी लगती है। डारा यहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, और अब बारी है गाड़ी के अंदर बैठ के आपसे और बात करने के लिए। तो चलते हैं टॉप एंड VXi 3000 के अंदर। तो जो उसका टॉप मॉडल है VXi, उसमें आपको 3 सीट्स मिलती हैं और ड्राइवर सीट अलग से है, हाइट एडजस्टेबल है। जो मेरी हैंड ब्रेक है वो यहाँ बीच में आती है, तो 2 सीटें यहाँ पे, एक हेडरेस्ट यहाँ पे है, एक हेडरेस्ट एडजस्टेबल यहाँ पे है। इसके साथ साथ अगर मौसम अच्छा है तो आप एक खिड़की खोल सकते हैं। गाड़ी की जो केबल लाइट है वो यहाँ पे आती है, एंड दोनों ही साइड्स पे आपको एक प्रॉपर सनवाइज़र मिलता है। अगर आगे बहुत धूप है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर स्टीयरिंग टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है हैज़र्ड स्विच, चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, यहाँ मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल यहाँ भी आ सकता है, और ऑडियो सिस्टम का प्रोविज़न यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स नीचे है, और ग्लव बॉक्स के ऊपर एक खाली जगह है जहाँ पे आपका कुछ सामान आपको रखना हो। और जबकि साथ ही बैठते हैं यहाँ पे, वो इस ग्रैब हैंडल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सड़क ठीक नहीं है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनर मिरर इधर आता है, पूरी मुझे व्यू मिल रही है इस टाइम पर डाले की। पावर विंडोज़ इस सेगमेंट के अंदर नहीं आती, यहाँ भी नहीं है, तो मैनुअल आपको यहाँ पावर विंडोज़ मिलती हैं। इसके अलावा जो नीचे आपका फुटवेल एरिया है जहाँ पे आपके फीट जाते हैं, वो काफ़ी चौड़ा है, और यहाँ तक का एरिया फ्लैट भी है। तीनों पैडल्स के क्लच के लेफ्ट साइड पे भी क्लच के साथ मेरे पास जगह है अपना पैर रखने के लिए। स्पीडोमीटर कंसोल इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है सेगमेंट के लिए। आपके पास टैकोमीटर आता है लेफ्ट पे, आपके पास बीच में स्पीड आती है जो कि एक डिजिटल डिस्प्ले की तरह आती है। इसमें कुछ भी एनालॉग नहीं है टॉप एंड मॉडल के अंदर। सो अगर आप इसको ऑन करेंगे सब कुछ यहाँ पर लाइट के साथ आ जाएगा। गियर लीवर यहाँ पे आता है, एंड उसको थोड़ा सा राइट साइड पे करा गया पोजीशन ताकि आपका ये एरिया हो एक्सेसिबल, एंड कोई यहाँ बैठते हैं तो उनके लेग रूम के अंदर ये जो गियर लीवर है ये इंटरफेयर नहीं करेगा। एक और बात थी कि जो ड्राइवर से सीट हाइट है वो एडजस्टेबल है। देखिए मैं ऊपर जा रहा हूँ इस टाइम पे, एंड ये काफ़ी यूनिक है, मैंने सोचा नहीं था कि पिकअप सेगमेंट के अंदर ही आएगा। सबसे लोएस्ट के अंदर भी मैं आराम से बोनेट को देख सकता हूँ। जो बाहर के शीशे हैं वो बड़े हैं, पूरा मुझे डाला दिखता है यहाँ से, तो विजिबिलिटी पॉइंट आप छोटे भी हैं मुझसे हाइट के अंदर, आप सीट को ऊपर ले जाके आराम से ट्रैफिक के अंदर बिना किसी टेंशन के इस गाड़ी को टाइटस से टाइटस जगह पे आप ले जा सकते हैं। इससे पहले कि हरिओम जी मुझे गाड़ी चलाने का एक मौका दें, इनसे कुछ बात करते हैं। ये महिंद्रा, संजय महिंद्रा के साथ ही जुड़े हुए हैं बहुत सालों से, एंड इनका हर रोज़ का जो काम है पिकअप्स को चलाना, तो इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है कि जो मुझे बता सके कि इस गाड़ी में अभी तक इनको क्या अच्छाइयाँ दिखी हैं, बताइए जी। गाड़ी जी बहुत अच्छी है, चलने में अच्छी है, और वो गाड़ियों से जो पहले आती थी उनसे बड़ी अच्छी है। केबिन बड़ा है, इंजन पावरफुल है, और पिकअप बहुत ही अच्छा है इसका।
आपको कभी ऐसा फील होता है कि पिकअप इतना अच्छा है बट गवर्नमेंट ने इसको 80 पे रोका हुआ है? नहीं, ये तो जी कमर्शियल है ना, इसमें स्पीड बहुत ज़रूरी है। हाँ। आप ज़्यादा इसकी स्पीड खोल दोगे तो फिर ड्राइवर रफ गाड़ी चलाएगा। अच्छा, तो स्पीड बंदी हुई है, अच्छा काम किया है। और आपको लगता है कि जो आगे बोनट छोटा करा गया है, इससे अगर कोई ड्राइवर भाई हैं जिनका हाइट हमसे छोटी है, उनको कुछ फ़ायदा होएगा? हाँ, काफ़ी फ़ायदा होगा जी, आगे देखने में उसको आसानी रहेगी। हाँ जी, बोनट छोटे होने की वजह से वो एक्सीडेंट मतलब बचाव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सही बात है। और ऐसा कुछ बताइए, अंदर आप लोग इतना सफ़र करते हैं, गाड़ी के अंदर 3-4-5 घंटे बैठते हैं, तो इसमें से क्या चेंज करा है कि लंबे सफ़र पर भी आपको आराम मिले? इसमें जी एक तो कैबिन काफ़ी बड़ा किया हुआ है बैठने के लिए, आप इसमें कभी आराम भी कर सकते हो, अंदर लेट भी सकते हो, मोबाइल रखने की जगह है, पानी की बोतल रखने की जगह है, और बाकी इसकी एसेसरी है जैसे जैक रोड वगैरह पीछे रखने की जगह इसमें। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया हुआ गाड़ी का। और आखिरी सवाल ये है कि ये है BS6 गाड़ी, तो इसके अंदर अलग से DEF डलता होगा फ्लूइड? नहीं, अलग से नहीं डलता जी कुछ, उसमें वही अपने जो नॉर्मली PDI होती है इसमें जो भी डलता है। तो उसमें डीजल के अलावा जो BS6 का कहते हैं कि एक्स्ट्रा फ्लूइड डालना है, एग्जॉस्ट फ्लूइड डालना है, वो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी ऐसे। तो गाइज, ये BS6 रेडी है। काफ़ी डीजल गाड़ियों के अंदर आपको डीजल के साथ साथ एक और आपको जगह मिलती है एग्जॉस्ट फ्लूइड डालने की, वो इसके अंदर आपको नहीं करना। धन्यवाद हरिओम जी, थैंक यू सो मच। किसी भी कमर्शियल गाड़ी का जो इंजन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारा का सारा जो लोड है गाड़ी की, जो कैरिंग कैपेसिटी है, वो इसका दिल, इसकी जान, इसका इंजन आपको देता है। थैंकफुली गुड न्यूज़ ये है कि ये वही इंजन है जो बाकी पिकअप्स के अंदर भी आता है महिंद्रा का। फिलहाल जो मैक्स है वो आपको सिर्फ डीजल के अंदर मिलती है। प्रोवन, रिलायबल, रोबस्ट, अब्यूज़ फ्रेंडली ये 2500 CC का टर्बो डीजल इंजन है। बात करूँ पावर की तो 65 इसकी पावर है, और जो टॉर्क है वो 195 ऑलमोस्ट 200 Nm का आपको इसके अंदर टॉर्क मिलता है। टॉर्क हायर RPM पे आता है, लोअर RPM पे आता है, वो मैं आपको बताऊंगा गाड़ी चलाते हुए। गियरबॉक्स 5-speed है, 5 आगे वाले गियर है, 1 रिवर्स गियर है। जिनको माइलेज चाहिए उसमें मैं बोलूँगा कि ये माइलेज का बादशाह है। सर्टिफाइड जो इकोनॉमी है, जो क्लेम करती है कंपनी, जो सर्टिफिकेशन मिली है, वो 17.2 km/L। तो डीजल पे ऐसी इकोनॉमी और ऐसा लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत रेयर होता है सेगमेंट के अंदर। 3 साल की इसमें वारंटी है। तो मैं काम करूंगा, इसको करूंगा बंद। गाड़ी में हमारे पास 1300 किलो का पीछे लोड है डाले के अंदर, पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर है। तो निकलते हैं सड़क पे, एक क्विक ड्राइव करते हैं और अंदर से बात करते हैं इसकी हैंडलिंग, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी ब्रेक्स को लेकर। कोई भी पिकअप वाहन चलाने में जो एक अलग से फीलिंग आती है, अलग से मजा आता है, कई बार हमें नॉर्मल हमारी गाड़ियों में नहीं आता। 91 व्हील्स के लिए हम काफ़ी डिफरेंट गाड़ियाँ चलाते हैं, 2-wheelers, 4-wheelers चलाते हैं, बट कमर्शियल गाड़ी का भी एक अलग से मज़ा है। कुछ लगता नहीं मुझे कि इसमें कुछ मुझे स्पेस की कमी हो रही है, स्टेयरिंग मुझसे दूर है, विजिबिलिटी मेरे लिए अच्छी है, गाड़ी में टॉर्क ही टॉर्क है। मतलब मैंने यकीन नहीं किया था कि इतने वेट के बाद भी ये जिस तरह गाड़ी पुल मार रही है, और इसका डीजल इंजन होने के बाद भी वाइब्रेशंस प्रॉपरली कंट्रोल है। आवाज़ जरूर है, डीजल इंजन की आवाज़ जरूर आती है, बट जो उसके ओवरऑल जो स्मूथनेस है गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है। क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ी है तो 80 पे इसकी स्पीड लिमिट लॉक है। 80 यानी कि स्पीडोमीटर पे 85 तक पे आपको फील हो जाएगा कि गाड़ी इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो हाईवे यूसेज के लिए भी अगर आपकी गाड़ी खाली है या भरी हुई है, 85 पे जाने के बाद इसका जो लॉक है वो आ जाएगा। एक टर्न ले रहे हैं थोड़ा सा तेज स्पीड पर, नीचे इतना वेट होने के बाद गाड़ी झूल नहीं रही है। महिंद्रा ये कैसे किया, इतना लोड डालने के बाद भी कोई भी गाड़ी बन जाती है एक बोट, एक नाव, बिकॉज झूलती बहुत है, बट ये गाड़ी में झुलाव इतना अच्छा कंट्रोल करा गया है। 5वें गियर में 55 पे पूरा दिन गाड़ी ऐसे चलाओ, आपको कुछ भी फटीग नहीं होने वाला। अभी मैंने ये वाली विंडो खोली हुई है, ये वाली विंडो खोली है, ये बंद करी क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो अच्छा सा यहाँ पे हवा का एक आउटलेट बन रहा है, एंड आज मौसम भी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है बोलेरो मैक्स के साथ,
वो अभी तक का पॉजिटिव है। मैं काम करूंगा यहाँ पे ब्रेकिंग मैं आपको दिखाता हूँ। 50 की स्पीड है, 3, 2, 1 पीछे की जो सीमेंट की मिट्टी थी वो जरूर अंदर आई, बट इसकी स्टेबिलिटी एकदम सीधा लाइन के अंदर गाड़ी रुकी है। तो इस पे मैं जो भी टेस्ट कर रहा हूँ, इससे मैं जो भी करवा रहा हूँ, अभी तक ये गाड़ी कर रही है। 7,62,000 से इसकी कीमत शुरू होती है एक शोरूम डेली। ओवरऑल डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट है, पे लोड इसमें बढ़ाया गया है, नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप मार्केट में हैं एक पिकअप के लिए जो डिपेंडेबल हो, जो रगेड हो, जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके, तो आपको महिंद्रा कमर्शियल के शोरूम में ज़रूर जाना चाहिए, इस गाड़ी को देखना चाहिए, इसकी टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। 3 साल की वारंटी भी है। जो हमारा पूरा आज का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी पॉजिटिव था। दोस्तों ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहेंगी, हमने पहले भी करे हैं सुजुकी कैरी के बारे में, महिंद्रा बड़े बलेरो के बारे में। तो अगला पिकअप जल्द आएगा या अगला ट्रक या बस भी जल्द आ सकता है, तब तक के लिए हमें चाहिए आपका सपोर्ट। अगर नहीं कर रहा तो प्लीज़ करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को, एंड रिमेंबर कि जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा।